Now, voice is coming. Check. Near you. Near you. Very low voice. Not clear. Too low. Voice is low. Okay. Check sound. Now, clear. Okay, which? So let's not waste our time and let's get on to the things where we were. So, कल मैंने आपको period, block और group ये सब देखना सिखा दिया था, है ना? आप लोगों ने practice भी कर ली होगी. Period कैसे देखना है, group कैसे देखना है, block कैसे देखना है, ठीक है ना? अब मैं जो मैंने आपको question दिए थे उसके answer आज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. आप उसको खुद चेक कर लेना कि आपसे वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एफ ब्लॉक के बारे में मैंने आपसे बोला था कि एफ ब्लॉक में कुछ पता लगाने की जरूरत ही नहीं है. एफ ब्लॉक जो होता है वो सिर्फ थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है ना? थर्ड ग्रुप जो है उसमें आता है, या 3B बोल दो या थर्ड ग्रुप बोल दो, बात सेम. ठीक, अब एक दो स्मॉलर कंफ्यूजन मैं आपके दूर कर दूं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो होता क्या है कि वो कई बार क्वांटम नंबर एक साथ लिख के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है. जैसे मान लो आपने कॉपर का या जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 10 3d, अच्छा इसको 8 कर देता हूँ और इसको यहाँ निखिल कर देता हूँ, बेहतर रहेगा, इसको निखिल कर देता हूँ. ठीक, अब क्या होता है बेटा कि वो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि सिमिलर क्वांटम नंबर वाले एक साथ लिख दे. इससे एक एडवांटेज भी है मेरे को, मैं इसको 2s2 2p6 ये एक साथ लिख लिया, 2 वाले एक साथ लिख लिए, 3s2 3p6 3d8 एक साथ लिख दिए और 4s2 एक साथ लिख दिया. इससे पता है एक एडवांटेज क्या होता है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8+8 16 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. तो जब आप न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो आप ऐसे भर सकते हो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर थर्ड शेल में 16 इलेक्ट्रॉन थे और फोर्थ शेल में यू हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक सवाल काफी था क्या आपको समझाने के लिए? आपको बात समझ में आ गई बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है? क्या सब बच्चे समझ गए? ऐसे शेल्स में आप इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हो, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी कभी कभी अरेंजमेंट कर सकता है वो और बोल सकता है कि आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन को लिख के बताओ. आगे चल के अपन को इसकी जरूरत भी पड़ेगी. मैं आपको ये चीज इन जनरल, मैं प्रॉब्लम सर लाइक दिस ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था आप ब्लॉक हुआ ग्रुप हुआ इन सब के लिए थोड़ा इंतजार करो. आखिरकार जब मैं ट्रिक बाजी पे आऊंगा तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बिना कुछ के ही आपको सब पता लग जाएगा. अभी तो एक रेगुलर तरीका आपको मैंने समझा दिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ठीक है ना? एक बात और बताता हूँ. आज एक क्वेश्चन ग्रुप पे था जिसमें एक बच्चे ने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंटम √35 है सर, तो बताओ ये क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा a+3 का और समथिंग लाइक दिस, है ना? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या उसका फॉर्मूला n × n+2 होता है? अब जरा कॉमन सेंस लगाओ. n क्या होता है?
यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो एन यहाँ पर क्या होगा, एन प्लस टू, फाइव ले लेते हैं एन को, फाइव प्लस टू 35 हो जाएगा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में 5 कहां पर आएंगे, जो भी रेलेवेंट ऑप्शन दिए हो उसको चूज कर लो। जैसे मैंने देखा अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn में 5 आ सकते हैं ना, तो Mn में मैंने देखा तो Mn में 5 आ सकते हैं, तो मुझे पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंडरवुड 35 हो सकता है। अब मान लो उससे पूछा Mn प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3d4 हो जाएगा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, इस फॉर्मेट को जब आप लिखोगे तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है वो देखना आपके लिए आसान है। जैसे मान लो आपने ये फॉर्मेट लिखा था, है ना, तो 2 यहाँ से निकालते और 1 यहाँ से निकालते, 3d7 हो जाता। बोलो हो, क्या बात क्लियर है। यदि आप इस फॉर्मेट में लिखते इसको तो यूं लिखते 1s2, फिर लिखते आप 2s2, 2p6, फिर लिखते आप 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। तो जब आप Mn प्लस 3 लेते बेटा, ये तो Mn के लिए लिखते हैं, तो Mn प्लस 3 के लिए आप अंत के 3 निकाल दो, 2 ये और 1 ये, तो ये हो जाता कितना, 3d4 हो जाता, ये 3p6, ये 3s2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या सबको बात समझ में आ गई है, क्या सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। आई होप सो कि सब लोग को ये बात क्लियर है। नहीं बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वैसे भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए मना कर दिया है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेना आसान नहीं है। और ये हर साल की कहानी, हर साल यही होता है, मैं तो जानता था इस बात को कि ये ऐसा होने वाला है थोड़े दिन में। जो भी आप एक्स्ट्रा लेक्चर लेना चाहोगे वो आखिरकार आप नहीं ले सकते हो, हर साल की ये कहानी है, कोई नई बात नहीं है। एक आध किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन आ जाता है उस पर, उसको भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, उस भोले बच्चे को पता नहीं होता है कि इससे उसी का नुकसान होने वाला है, और वो क्या करता है, वो मतलब ये डिमांड करना चालू कर देगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। अल्टीमेटली क्या होता है, सब बंद हो जाता है। तो आप नुकसान अपना ही होता है, नुकसान किसी और का नहीं होता है, ये बात अपन को समझनी पड़ेगी, समझ रहे बात को। तो खैर जो भी हो, अपन इसको मिटा देते हैं और मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो ये सबने नोट कर लिया होगा, ये तो मतलब आपके लिए वो था जो कल आपने पढ़ा था उसके लिए था, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मेरे लेक्चर को वापस से जाके यूट्यूब पे देख लेना। चलो चलो चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे पढ़ते हैं, बट आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर, डोंट वरी। आज मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाने वाला था एक्चुअली, फिर वो फरमान आया तो फिर मैंने कहा अब नहीं पढ़ा था। अब वो टॉपिक्स कब पढ़ाऊं, उसके लिए टाइम ही नहीं है कभी भी पढ़ाने, उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर के बिना उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज आपका सिलेबस खत्म करना ही प्रॉब्लम है ना सबसे पहले, तो भाई और एक्स्ट्रा कैसे पढ़ाए। और वो एक्स्ट्रा होता कितने बच्चों के लिए यार, 4-5 बच्चों के लिए जो बहुत बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनके 180 में से 170-170 नंबर आ रहे होते हैं, वो लेक्चर्स तो उनके लिए होते हैं। वो नीट में नहीं आता, लेकिन जो बच्चा खूब सारी पढ़ाई कर रहा है उसे टाइम है, उसको और बेहतर आइडिया मिल जाता है, बस बात यह है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, वो एक क्वेश्चन को अपना या दो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और फिर उसकी रैंक लग जाए उन्हीं दो क्वेश्चन के कारण, क्योंकि रैंक तो ऐसे ही लगती है, उसके लिए होती है बेटा वो मेहनत, वो सिलेक्शन के लिए नहीं है, सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और दिक्कतें अपनी दूर करते हैं। तो आपने ग्रुप देख लिया था, नंबर देख लिया था, ब्लॉक देख लिया था, सब देख लिया था आपने, है ना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, जो आपको लिखना है। पहले एक टर्म बताता हूँ, उस टर्म को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कुछ और भी बोला था क्या आज सिखाने को, जो कल मतलब आपने ग्रुप पे डाला हो, मैंने बोला हो मैं क्लास के अंदर सिखा दूंगा, कोई बात थी क्या ऐसी? दो चीजें मैंने अभी सिखा दी आपको,
वेव नंबर, अच्छा डेवी सर जर्मन वाला बोले था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात याद रखना बेटा, क्या था जो डी ब्रोगली का मॉडल था, मतलब डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी, वो हाइपोथेसिस को डी ब्रोगली खुद प्रूव नहीं कर पाया था। डी ब्रोगली सेड दैट के द मूविंग पार्टिकल्स विल हैव वेव लाइक नेचर, और उसके लिए उसने इक्वेशन भी प्रपोज कर दी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं कर पाया था। पर डेविसन और जर्मन ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को छोटे छोटे होल से क्रॉस करवाया और उन्होंने डिफ्रेक्शन पैटर्न देखा था, और वो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता वेव्स में। तो उसने बोला कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये भी वेव लाइक नेचर दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ कि वेव लाइक नेचर जो था दैट वॉज प्रूव्ड बाई डेविसन एंड जर्मन, एंड देन डी ब्रोगली गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। इनफैक्ट शायद डेविसन एंड जर्मन को भी नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर वर्क्स व्हिच दे हैव डन। खैर वो पूछते नहीं है किसको नोबेल प्राइज मिला किसको नहीं मिला, लेकिन डेविसन एंड जर्मन प्रूव द एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब द वेव लाइक नेचर वॉज प्रूव्ड बाई डेविसन एंड जर्मन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लिख लो बेटा कहीं पर, लिख लो आप इस बात को कि द वेव लाइक नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव लाइक नेचर ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई, वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई डेविसन एंड जर्मर। दे obtained diffraction pattern by crossing fast moving electrons through a slit. ऐसे स्लिट्स थे और यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव किया तो उन्होंने देखा कि डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखा था, डिफ्रेक्शन पैटर्न वेव्स में दिखता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से गए तो उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जमे हुए थे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, और फिर गैप था और फिर इलेक्ट्रॉन मिलते थे, और फिर गैप था और फिर इलेक्ट्रॉन मिलते थे, फिर गैप था फिर इलेक्ट्रॉन मिलते थे। ऐसे बैंड्स जो होते हैं ना, डार्क एंड लाइट बैंड, वो लाइट में मिलते हैं बेटा जब वो डिफ्रेक्शन दिखाता है। जब लाइट में डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है ना तो वो लाइट एंड डार्क बैंड दिखाता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे 12th क्लास में। तो उसी का आइडिया थोड़ा सा क्या हुआ, डेविसन जर्मन ने दिया। डेविसन जर्मन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बात को ध्यान सुनना, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के थ्रू क्रॉस होने दिया, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर डिफ्रेक्शन पैटर्न दे रहा था दिखाई, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलते थे फिर बैंड था, फिर इलेक्ट्रॉन मिलते थे फिर गैप था। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये क्या हो गया बेटा, ये गैप हो गया, करेक्ट है, ये फिर इलेक्ट्रॉन फिर गैप, ठीक। तो ये बेटा डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है, ये मत पूछो, ये तो अलग से है। आपने याद दिलाया ना सर, ये वाली चीज आपने रात को बोली थी पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा दो, तो ये मैंने आपको अलग से लिखा दी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना, वो अलग है, डायगोनल रिलेशनशिप अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है, चलो। तो ये चीजें मैंने आपको बताया था, मतलब बोला था सर टेस्ट में मोल कंसेप्ट आएगा, प्लीज इधर उधर की बातें मत पूछा करो बेटा। सर यू टोल्ड टू टीच अबाउट अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, हाँ ठीक है, चलो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक चीज मैं बताना आपको शायद भूल गया, मुझे याद नहीं है वो चीज। जैसे ए और बी ग्रुप कल मैंने आपको बताया था ना बेटा, ऐसे ही मेंडलीव ने भी, ये हो गया ना, ये हो गया ना नोट, जल्दी से यस बोल दो, ये नोट हो गया ना, जल्दी से बोल दो, हो गया ना, तो सुनना। इसी प्रकार से बेटा मेंडलीव ने भी ए और बी ग्रुप में बांटा था, याद करो, याद करो, ए और बी ग्रुप में बांटा था मेंडलीव ने, याद आया सबको। अब चलो मैं यहीं पे वो बता दूंगा आपको वो चीज जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, मैं डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाना चालू करता हूँ और उसी के साथ रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा वो वाली बात जो अभी अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब ऐसा होता है कि रहता तो यहाँ है पर शक्ल पड़ोसी से मिलती है। क्या आपने सुना इस बात को? इसका मतलब ये होता है रहता तो इस घर में है, शक्ल पड़ोसी से मिलती है। क्लियर है बेटा? अब आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हो, वो सब मत सोचो। कहने का मतलब ये है रहता इस घर में है, प्रॉपर्टीज बगल वाले से मिलती है। ठीक है बेटा? खैर यही है डायगोनल रिलेशनशिप। आपको जो मतलब निकालना आप मतलब निकालते रहो, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप यही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है बच्चों, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है और ये सेवन्थ पीरियड है। करेक्ट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। करेक्ट है? अब इसके बाद में क्या होगा? बेरिलियम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग बार बार इस बात को फोर्स करते हो कि सर आप YouTube की रिकॉर्डिंग पूरी पूरी दिलवाओ, सबकी दिलवाओ, है ना? आप ये ज्यादा फोर्स करोगे तो ये वाली भी बंद हो जाएगी, जैसे आपकी डाउट क्लास बंद हो गई है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब अपन ज्यादा फोर्स करते हैं ना किसी चीज को, तो जनरली क्या होता है, समाज में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी ज्यादा होती है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ज्यादा फोर्स मत करना। बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो होगा ये कि ये वाली भी बंद हो जाएगी। समझ रहे? मेरे पास कोई ना कोई कारण आ जाएगा कि सर ये वाली रिकॉर्डिंग मत करो। समझ गए आप मेरी बात को? तो मत करो ये सब एक हद से ज्यादा। कभी कभी इंसान क्या करता है, रेत को इतनी जोर से पकड़ने की कोशिश करता है कि उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं। वो कोशिश मत करो, नुकसान अपना ही होता है और किसी का नहीं होता। इसलिए जब भी आपने मेरे को अलग से बोला, आई डिड नॉट रिप्लाई टू यू दैट, ठीक है ना? वो मेरे बस में नहीं है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? सेकंड, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं ये मैं भगवान, ये क्या होगा? बेरिलियम, ये क्या होगा? कैल्शियम, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्शियम और ये क्या होगा? बेरियम। करेक्ट है? इसके बाद बोरॉन आता है, आलू आता है, गाजर आता है, इन आता है, थैला आता है। ये तो आपको पता होगा। ये कार्बन आता है, ये सिलिकन आता है, ये जर्मेनियम आता है, ये एसएन आता है, ये पीबी आता है, ये नाइट्रोजन आता है, ये फॉस्फरस आता है और ब्ला ब्ला ब्ला, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। करेक्ट है? तो इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, है ना? ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट एक तरीके से मैं आपको लिख रहा हूँ। और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट, जो कल आपने पूछा था मेरे से एक शब्द, है ना बेटा? सो यहाँ पे मैंने एस ब्लॉक के ही एलिमेंट लिखे और पी ब्लॉक के लिख दिए। आगे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरिन फैमिली, नोबल गैसेस, ब्ला 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 आपके पास आता है। लेकिन हम मुद्दे से ना भटक जाए इसलिए इधर ही रहते हैं ना। ये जो लिथियम है, मैंने क्या बोला था, है तो अपने यहाँ का, लेकिन लेकिन वो गुण पड़ोसी जैसे दिखाता है। तो लिथियम ना सेकंड पीरियड का मेंबर, सेकंड पीरियड का मेंबर अगले पीरियड के मेंबर से रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब एक जैसे संबंध, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है। यहाँ तक तो खूब अच्छा चलता है, इसके बाद अच्छा नहीं चलता डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब बुक्स कई बार लिख देती है बट इट इज नॉट वेरी गुड, है ना? यहीं तक हमको लिखना चाहिए। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब तिरछा देख रहा है। क्या आपको शब्द समझ में आया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, है ना? तो अब क्या हुआ बेटा, जरा शांति रखो बेटा, है ना? तो ये जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसी को हम ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को ब्रिज करता है। किसके बीच में? इस ग्रुप के और अगले ग्रुप के बीच में। तो सेकंड पीरियड मेंबर्स, सेकेंड पीरियड मेंबर्स शोज प्रॉपर्टीज, सेकेंड पीरियड मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप शोज प्रॉपर्टीज similar to next group members just to the right side of periodic
टेबल. लिखने में बेटा टाइम लगता है, बात तो बड़ी सरल थी. दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप. तो देयरफोर सेकेंड पीरियड मेंबर्स आर कॉल्ड एज पीरियड मेंबर्स आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग एलिमेंट आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग एलिमेंट. क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों? सेकेंड पीरियड मेंबर को हम ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं. क्या बात सबको क्लियर है बेटा? खाना बोलना पड़ेगा यार. सेकेंड पीरियड मेंबर्स को ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये मेंबर अगले वाले के साथ में प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता है ना. और जो ये थर्ड पीरियड मेंबर्स है इनको टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं. अब बताऊंगा मैं टिपिकल क्यों बोलते हैं इनको, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई सब लोग को? ये बात समझ में आ गई? जल्दी खाना बोल दो यार. दिस इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप. This phenomenon is called as diagonal relationship. इस फिनोमिना को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. क्या सबको बात क्लियर है बेटा? इस फिनोमिना को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप यदि कोई पूछे आपसे, cause of diagonal relationship, diagonal relationship, ठीक है बेटा, it is because the charge is to size ratio, the charge of cation, it is because इन्होंने कारण दिया हुआ है, आयनिक potential कारण लिखते हैं. हाँ, it is because of the same ionic potential, it is because of similar ionic potential, it is because of similar ionic potential values. अब ionic potential क्या होता है? ये ionic potential है, ionization potential नहीं. ionic potential जो होता है बेटा वो होता है charge on cation अपॉन साइज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन, ये होता है. जल्दी से लिख लो बेटा, चार्ज ऑन कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन. जल्दी से लिख लो बेटा इसको, चार्ज ऑन कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन, ये होता है आयनिक पोटेंशियल. ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? चलो अब मैं आपको इसमें आगे की बात बताता हूं. आगे की बात एक है, वो टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं. तो जो थर्ड पीरियड के मेंबर होते हैं उन्हें टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं. मैं इसको मिटा रहा हूं, चले मिटा दो बेटा, बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ाने को. अब तक चैप्टर चालू भी नहीं हो पाया, 3 दिन हो चुके हैं ना. चलो अब एक टर्म आता है और वो टर्म है टिपिकल एलिमेंट. अच्छा तुम लोगों ने टिपिकल का भी सुना है शब्द? तुम लोग मेरे को बताओ जब तक मैं मिटा रहा हूँ, टिपिकल इंदौरी के क्या क्या करेक्टर होते हैं, या जो बच्चे इंदौर के हैं वो बताओ मुझे टिपिकल इंदौरी के क्या क्या करेक्टर होते हैं. परागी ने बताया कि पोहा खाता है वो, है ना. टिपिकल इंदौरी पोहा खाता है ना? और क्या क्या करेक्टर्स होते हैं टिपिकल इंदौरी के? पोहे की अलग अलग वेराइटीज वो खाते हैं, जैसे उसल पोहा मैंने देखा है वो इंदौर में ही एक विशेष चलता है, पोहे में सब्जी डाल के खा जाते हैं, है ना बेटा. बाहर का जो आदमी होता है वो तो बेचारा मतलब देख के ही उसको लगता है हे भगवान ये क्या कर दिया है, है ना. सेव हर चीज में उनको चाहिए, सेव हर चीज में चाहिए. कोई खुशी की बात हो तो भाग के राजबाड़े पहुंच जाते हैं. आपको याद होगा बेटा जब कोरोना नया नया आया था तो हमने यहाँ पे वो रखा था, क्या नाम है, मोदी जी के कहने पर वो अपना सेल्फ लॉकडाउन करा था, है ना. और उसके बाद उसकी खुशी मनाने के लिए शाम को हम सराफा पे पहुंच गए थे, याद होगा आपको. और फिर हमने बहुत खुशियां मनाई लपक के और कोरोना को पूरी जबरदस्त तरीके से फैलाया था उस समय, है ना. और पूरे देश में हमारी बुराई लोगों ने करी. मेरे दोस्तों ने मेरे को उसके फोटो भेजे, कहां कहां से नहीं, विदेश से भी फोटो भेजे कि भानु भाई आपके यहाँ पे लोग एबले हैं, पागल हैं. मैंने कहा भाई ऐसा ही है, अब प्रैक्टिस नहीं हम लोगों की, हम लोगों की तो आदत है कुछ भी अच्छा हो जाए तो राजबाड़े पे जाते हैं, जाकर के नाचने लग जाते हैं.
और बस फिर रात को नाश्ते नाश्ते घर वापस आ जाते, एक आध कुछ पोहा जलेबी जो मिल जाए खा खू करके, ऐसे ही हम लोग तो। हाँ, स्वच्छ अभियान भी इंदौर में चलता है, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट अभी वैक्सीन जो लगाई गई उसमें 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन जो है एक दिन में इंदौर में लगा दी गई, वो भी अपने आप में एक मतलब रिकॉर्ड है। इंदौर कई मामलों में अच्छा भी है, लेकिन ये वैक्सीन वैक्सीन ये सब टेम्परेरी बातें हैं, जो जन्म जन्मांतर चली आ रही, जो दादाजी के जमाने में, पापा के जमाने भी, आज भी है और आने वाले जमाने में भी होगी, वो है पोहा। ठीक है बेटा, तो कोई भी व्यक्ति यदि मान लो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और वहां जाकर के वो दुकान पे बोले भियो पोहा है क्या, थोड़ा सेव डाल दो, पोहे में उसल पोहा दे दो, या फिर थोड़ा जीरा मिल जाए तो और मजा आ जाए, ठीक है। वो कहेगा क्रोकोडाइल है भैया, खाना हो तो खा लो, नहीं खाना हो तो निकल लो। बोले यार क्रोकोडाइल नहीं यार, भियो यार पोहा होता तो मजा आ जाता, जरा जीरा वन डाल के। तो हम क्या बोलेंगे, तो बगल में यदि मैं खड़ा हूँ तो कहूँ भियो इंदौर से हो क्या, तो कहा हाँ यार इंदौर से ही हो, मतलब मैं आपने जैसे ही पोहा और जीरा वन मांगा मैं समझ गया कि आपकी आत्मा वहीं की है और आप कहीं के नहीं हो सकते। तो ये टिपिकल करेक्टर है, ये टिपिकल करेक्टर है एक इंदौरी के। आई सपोज आप समझ गए होंगे टिपिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो अपने पूरे ग्रुप के लक्षणों को दर्शा दे उसको बोलते हैं टिपिकल। वो कहेगा ये टिपिकल इंदौरी है, मतलब पूरे इंदौर को रिप्रेजेंट करता है ये टिपिकल इंदौरी है, मतलब ये पूरे इंदौर को रिप्रेजेंट करता है। वो कभी 49 नहीं बोलेगा, 49 बोलेगा, उन्हें हिंदी की गिनती ऐसी ही आती है, 49 नहीं बोलेंगे 49 बोलेंगे। यदि आप उनसे बहस करोगे तो सारे के सारे इकट्ठे आ जाएंगे बोलने के लिए कि भियो आपको नहीं आता, इसको 49 ही बोलते हैं, 49 कुछ नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये टिपिकल इंदौरी है। अब टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स आर थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स which shows properties of whole group, मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से आपको ये बात समझ में आएगी कि आप ये बोलोगे सर डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम के बीच था, और आपने डेफिनेशन में लिखा द सेकंड पीरियड मेंबर शोज प्रॉपर्टीज Which are similar to the property of next group. तो वो मैग्नीशियम के सिमिलर था, ग्रुप के सिमिलर थोड़ी ना था, लेकिन अब आपको समझ में आएगा ग्रुप के सिमिलर भी, क्योंकि मैग्नीशियम पूरे ग्रुप जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है। बोलो बेटा, बात क्लियर हो गई सब लोगों? तो ये टिपिकल एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? थर्ड पीरियड एम्बर, थर्ड ग्रुप नहीं है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट आर थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर टिपिकल एलिमेंट कौन से हो जाएंगे बेटा? ये वाले, ये सब क्या है? ये भी हो लो टिपिकल एलिमेंट है। करेक्ट है बेटा, आ गई सबको बात समझ में? आ गई सबको बात समझ में? टिपिकल एलिमेंट का मतलब सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? ठीक, अब एक बात और समझो बेटा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इन मेंडलीव, वैसे ये कोई पूछना नहीं चाहिए किसी को, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ग्रुप थ्री, पीरियडिक टेबल थर्ड पीरियड मेंबर्स वर ब्रिज वर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। अब यदि आपसे कोई ये पूछ रहा है ब्रिज एलिमेंट कौन से है, और वहां पे ऑप्शन है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, करेक्ट आंसर है सेकंड पीरियड। करेक्ट आंसर इज सेकंड पीरियड। मेंडलीफ में कौन सा है, तो फिर आप थर्ड पीरियड लगाना, वैसे इसके आने की उम्मीद नेग्लिजिबली नेग्लिजिबल है। ठीक है, वहां पे क्या होता है बेटा, जैसे सोडियम रखते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ कॉपर एजी एयू रखते हैं, और यहाँ पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रेंसियम ऐसे रखते थे, और इधर लिथियम आता था। इसी प्रकार बेटा यहाँ मैग्नीशियम रखते थे, और यहाँ पर फिर आ जाता था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, और इस तरफ जो है जिंकुआ कैडमियम मरकरी। आपको पता है ना 2B होता है ये, अब जो लोग भूल गए मैं उनको नमस्ते करता हूँ, कोई बात नहीं। आपको याद है 2B था, ये याद आया, कल बताया ना 2B होता है, 1B कॉपर वाली फैमिली होती है और 2B वाली होती है, 3B से चालू होता है फिर आगे बढ़ता जाता है, 8th ग्रुप तक जाता है, फिर 1B और 2B होता है। भूलेगा वो जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा वो नहीं भूलेगा।
चलो भाई कर लो फटाफट। मिटाओ 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 गाइस। तो टिपिकल एलिमेंट सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, है ना। और सबको ये भी समझ में आ गया डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, सबको ये भी समझ में आ गया कि ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, कौन से ग्रुप कौन से पीरियड के मेंबर होते हैं ब्रिज एलिमेंट। एक बार बोल लो बेटा, एक बार बोल लो कौन से पीरियड के मेंबर होते हैं ब्रिज एलिमेंट। शाबाश, सेकंड पीरियड के होते हैं। यदि कोई बिल्कुल खोद खोद के पूछ ले भैया मेंडलीफ में ही बताओ, तो फिर आप बोलना कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के मेंबर्स को ब्रिज एलिमेंट बोला गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, है ना। जैसे ये पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या फिर नॉर्मल एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो ऐसे करके शब्द हैं कुछ, एक शब्द है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक शब्द है ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो ये शब्द मैं आपको क्लियर कर देता हूं इनका अर्थ क्या होता है। मॉड्यूल में शायद कहीं ना कहीं लिखे भी होंगे, मुझे याद नहीं है कहाँ लिखे, लेकिन मैं तो आपको बता देता हूँ, है ना, कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या चीज होती है, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट करेक्ट है बेटा, और नॉर्मल एलिमेंट्स, और नॉर्मल एलिमेंट्स। अब ये क्या है बेटा, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। अब एक गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, पता है क्या गड़बड़ हो जाती है, यदि आप मॉड्यूल देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, वो गलत नहीं है, लेकिन बात ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट, समझ ला। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस, अब यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना है, बात ये है बेटा मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उसको याद रखना, है ना। लेकिन यदि कल के दिन आपको ये क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए एनसीईआरटी का, आएगा एनसीईआरटी का ही, मैं आपको एक बोलता दूं, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट, ये ऑप्शन रहेगा। और वहां कोई नहीं लिखेगा एक्सेप्ट फैक्टर, आप चिंता मत करो, आप तो ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट लगा के आंसर आ जाना। बोलो हो, बात समझ में आई कि नहीं आई। एनसीईआरटी रीड आउट करो, एनसीईआरटी रीड आउट करो, एनसीईआरटी में दिया है ना ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब उसमें नोबल गैसेस उन्होंने बेटा इंक्लूड किए, देखो लिख रहा है, लिखता क्या है, द पी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्राइजेस दोज बिलोंगिंग टू 13 टू 18th ग्रुप एंड दीज टूगेदर विद एस ब्लॉक आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, 13 टू 18th ग्रुप टूगेदर विद एस ब्लॉक इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसमें तो आगे जाके नोबल गैसेस का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। तो इसका मतलब बेटा मैं किसी भी तरीके से आपसे ये बात नहीं कहूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आप ऐसा मत कभी लगा देना कि यदि ये आ जाए कि एस एन पी ब्लॉक ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आप उसको कैंसिल कर दो, मत करना भाई, एनसीईआरटी वही बोलती है। लेकिन जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस ऑप्शन आएगा, तो प्लीज डू चेक दैट, है ना बेटा। उसमें गलत नहीं दिया, उसमें सही दिया, लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है, मैं एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। आप जैसे एग्जाम में सोचते हो ना कि एग्जामिनर इसी बात के लिए बैठा, ओ बेटा इन मॉड्यूल में क्या लिखा है और मेरे को क्या लिखना है, बेटा ना एग्जामिनर को इतनी फुर्सत है और ना वो इतने सीरियस है एग्जाम का पेपर बनाने के लिए। मैं आपको एक सच्ची बात बोलूं तो वो तो एनसीईआरटी की लाइन उनको देनी है, एनसीईआरटी में लिखा है ऑल एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट, तुम्हें एग्जाम से मतलब है कैसे मतलब, एक बताओ तुम्हें एग्जाम से मतलब है कैसे मतलब है, एग्जाम से मतलब है ना, एग्जाम में आए तो ऑल पे लगा देने निशान खत्म, क्योंकि एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट इज इट। हाँ, लेकिन मान लो ये वाला ऑप्शन ही नहीं हुआ आपके पास, मान लो ये वाला ऑप्शन ही आपके पास नहीं हुआ, तो फिर आप जो मॉड्यूल में आंसर दिया उसको सेलेक्ट कर लेना, यदि वही ऑप्शन में हुआ तो बोलो हाउ,
अरे बेटा बात सुनो, दैट इज द फंडा व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस, कि ये वाला क्यों पढ़ना है ना। चलो अब इसके बाद एक होते हैं बेटा ट्रांजिशनल एलिमेंट, एक होते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल एलिमेंट आर दो टाइप, मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट तो ये हमको लिखना है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्करी एंड अनन्बियम यूयूबी। ठीक है, इसका नाम मैं आपको रटा दूंगा, टेंशन मत लो। अनन्बियम 112 हो जाएगा ना, अन अन मतलब 1 1, बीएम 2 1 1 2। ठीक है बेटा, जिंक कैडमियम मर्करी, ठीक है ना। अब इसको कोपेनिशियम बोलते हैं, जितना मुझे याद है ना, कोपेनिशियम बोलते हैं इसको, अब जो बोलते हैं, लेकिन वैसे आपको बुक्स में अनन्बियम ही लिखा हुआ मिलेगा। यार स्पेलिंग याद नहीं आ रही, चलो देख के बता देंगे स्पेलिंग, वैसे है तो ऐसे कुछ कोपेनिशियम ही टाइप का है। खैर, आउटर ट्रांजिस्टर एलिमेंट। फिर एक होते हैं बेटा इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट, कौन से होते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट कौन से होते हैं, लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है बेटा, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक होता है, और एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होते हैं। ठीक है बेटा, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होते हैं। लैंथेनाइड सीरियम से ल्यूटिशियम तक होता है, एक्टिनाइड थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होता है। सीरियम 58 होता है, ल्यूटिशियम 71 है, थोरियम 90 है, और ये 103 है। कुछ कुछ बातें तो याद करनी ही पड़ेंगी, समझा भी देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूँ, मेरे को इस बात से दुख हुआ कि वो मैं एक्स्ट्रा नहीं ले पा रहा हूँ। खैर मैं कुछ ना कुछ करूंगा उसके लिए, क्योंकि कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने के लिए बेटा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, आप हर चीज अपने मर्जी से नहीं कर सकते। आउटर ट्रांजिस्टर एलिमेंट, ठीक है ना बेटा, और इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स। खैर इतना आपने पढ़ लिया, यहां से टर्म लिखता हूं, आप बताना मेरे को, नोट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट वैसे कायदे से आउटर लिखना चाहिए, लेकिन बुक में नहीं लिखा रहता। ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ये बात सही है, कायदे से आउटर वर्ड लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा चलेगा। देखो बेटा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्करी एंड अनन्बियम। ठीक है, ठीक है बेटा, आया 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 आया, जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। All transistor element are D-block element, but all D-block element are not transistor element. More precisely, it is outer transistor. लेकिन books में नहीं लिखा रहता, books में सिर्फ transistor लिखा होता है, आप मान लेना इनका मतलब outer transistor है। ये भाषा है जो books use करते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये sentence बहुत important है, याद रखते हैं इसको। क्या कहा मैंने तुमसे, sentence बहुत important है, याद रखते हैं इसको। सारे D-block element transistor नहीं होते, लेकिन सारे transistor element D-block element होते हैं। ठीक है, चलो मिटा दूं इसको मैं, मिटा दूं, शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, शैल मिटा दूं, या चलो अब सुनो मिटाओ। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सबको याद हो गया क्या होता है, ट्रांजिस्टर एलिमेंट क्या होते हैं वो भी पता लग गया, आउटर ट्रांजिस्टर एलिमेंट क्या है, इनर क्या है, इसमें समझने की कोई बात नहीं थी, डेफिनेशंस थी, इसलिए मैंने आपकी तरफ देखा भी नहीं,
कि आप इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, क्योंकि उसमें समझने का कुछ है ही नहीं बेटा। डेफिनेशन से डेफिनेशन में क्या समझा सकते हैं? अब उसको आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और ये भी नहीं है कि उसमें जा नहीं सकते हैं, उसकी थ्योरी को और नहीं एलोबरेट कर सकते, लेकिन जिसका कोई यूज ना हो अननेसेसरी उस थ्योरी को एलोबरेट करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो वो समय बचा के कुछ और बात कर ली जाएगी जो कि रिलेटिवली ज्यादा अच्छी होगी, है ना बेटा। अब मैं आपको बताऊं, एक समय था, एक जमाना था, जबकि ओल्ड टाइम में डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते थे। उसके बाद ऐसा नहीं रहा। एक डेफिनेशन दी गई ट्रांजिशनल एलिमेंट की, स्पेशली किसकी, आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट की एक डेफिनेशन दी गई। लैंथेनाइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल सही बेटा, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट। अब वहां पे नोट भी डाल लो, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। अब खैर ट्रांजिस्टर एलिमेंट की डेफिनेशन ग्रेटर डिटेल में आपको आएगी, और वो आएगी कब, जब आप 12th क्लास में आओगे, जब आप ट्रांजिस्टर एलिमेंट पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, है ना। वैसे आप कहो तो मैं जल्दी से आपको बता दूं ट्रांजिस्टर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, लेकिन आप ना ध्यान से सुनना, मेरा समय खराब मत करना प्लीज, है ना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो ट्रांजिस्टर बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ही आउटर ट्रांजिस्टर एलिमेंट है, ना। पहले क्या था, ट्रांजिस्टर एलिमेंट वर्ड क्यों आया था पता है, एस से पी जाते हुए ट्रांजिशन आता है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाते हुए जो बीच में आते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप बोलो यू आर इन अ एज ऑफ ट्रांजिशन, यू आर इन अ एज ऑफ ट्रांजिशन, आप लोग एज ऑफ ट्रांजिशन में, समझ रहे हो आप मेरी बात को, अरे बोलो ना यार, है ना। आप बाल्यकाल से जो है युवा अवस्था में जा रहे हो, आप बाल्यकाल से युवा अवस्था में जा रहे हो, यदि मैं बोलूं तो ना चाइल्ड से एडल्टहुड में जा रहे हो, मेरी एक दो साल बाद आ जाएगी तब फिर मेरी भी आ जाएगी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है बेटा इतनी बात। आप लोग की तो आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में अभी एक दो साल बाकी है, उसके बाद मेरी एज ऑफ ट्रांजिशन आ जाएगी, मैं बाल्यावस्था से युवावस्था में चला जाऊंगा, कोई ना मत बोलना, मैं डाउट नहीं बताऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सो ट्रांजिस्टर एलिमेंट, ट्रांजिशन शब्द समझ में आया तुम लोग, ट्रांजिशन का मतलब समझ में आया, ट्रांजिशन का मतलब होता है जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे जाते हैं तो बीच का एक फेज पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, चमका, ओके। तो उन दिनों में बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों बोल दिया, क्योंकि एस से पी जाते हुए जा रहा, फिर नई डेफिनेशन बोर्ड ने दी और उसमें बोला दोज एलिमेंट इन विच आउटर टू शेल्स आर इनकम्प्लीट, आउटर टू शेल्स आर इनकम्प्लीट इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो या गेन करते हो, तो उस दौरान आप चार्ज गेन करते हो, एक इलेक्ट्रॉन खो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन आ गई, दो खो गया तो प्लस टू आ गई, ऑक्सीडेशन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, 9th 10th तक पढ़ते ना इस बात को, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना। अब एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है, मान लो बेटा मैं क्रोमियम ले लूं, सो क्रोमियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। लेकिन जब बात शेल्स की हो तो मुझे कैसे लिखना चाहिए आपको पता है, मैं 3d5 को सामने ले आऊं, 4s1 को ऊपर ले जाऊं, सो दिस इज 3d5 एंड दिस इज 4s1, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल माइंड दैट, है ना। अब देखो चार शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले शेल में कितने गए दो, दूसरे में कितने गए 8, तीसरे में कितने गए 13 और फिर कितना है 1, 2, 8, 13, 1। क्या आउटर दो इनकम्प्लीट है बच्चों, क्या आउटर दो शेल इनकम्प्लीट है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 होती है, दूसरी की 8 होती है, तीसरी की 18 होती है, चौथी की 32, कैपेसिटी दो शेल्स की होती है, फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है 1s2, तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 2s2p, सेकंड क्वांटम नंबर 2, तो l की वैल्यू 2 आ जाएगी, दो बोलो ना, इधर n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू तक लो, यहां n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 और 1, 0 का मतलब s और 1 का मतलब p, s में एक ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हां ना बोलना पड़ेगा, कांसेप्ट आ रहा है समझ में, अब ये n बराबर 3
तो भैया जी L बराबर 0, 1, 2, 0 मतलब S, 1 मतलब P और 2 मतलब D, मतलब एक सबशेल, एक ऑर्बिटल, P में तीन ऑर्बिटल और यहाँ पांच, पांच तीन और एक कितना हुआ 9, 9 दूनी कितना हुआ 18, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18, 18 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो मैं कुछ नहीं आया समझ में, समझा कि नहीं समझा, ले हो इस पे भी बोल दिया एक जन, रिपीट करो सर, क्या सोते रहते हो क्या, n बराबर 3 है तो l बराबर 0, 1, 2 है, ये नहीं पता, n बराबर 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 आएगी, अब 0 मतलब क्या हुआ 0, नहीं बेटा सबको आ गया समझ में, एक होशियार बच्चे ने बोला वापस समझा दो, इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन जागते रहो, s, p और d, s में एक ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल और d में पांच ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 9, अब चल चौथा आ गया तो n बराबर 4 आना बोलना पड़ेगा, तो L बराबर कितना होगा 0, 1, 2, 3, S, P, D, F कितने हो गए 32 हो गए, आना बोलना पड़ेगा, S, P, D, F है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या आउटर दो सबशेल इनकम्प्लीट है, मैंने पहले ही बोला था, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, आ गया, आ गया, अंडरस्टूड, सब लोग अंडरस्टूड, ओके वेरी गुड बेटा, ठीक है, ठीक 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 अब सुनो, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में मैं आगे बताता हूँ, मान ली मेरे पास कॉपर आ जाए, अब कॉपर में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, भाई वो 3d10 बाद में आता है, इसको पहले लिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड में 8, इसमें 18, 1 चौगा 2 चौगा 3 चौगा 4 चौगा 2 8 18 1, बोलो भैया तो अब कितनी शेल इनकम्प्लीट है, लास्ट वाला इनकम्प्लीट, लास्ट वाला इनकम्प्लीट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से तो आउटर दो इनकम्प्लीट होना चाहिए, हाना बोल दो यार, हाना या बोल दो यार, लेकिन उसकी डेफिनेशन में लिखा है इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, तुमको पता है कॉपर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर कॉपर प्लस दिखाता है और कॉपर प्लस टू दिखाता है, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर प्लस वन भी दिखाता है, प्लस टू भी दिखाता है, अब एक बात आया 9-10 तक तुम लोगों ने कभी कॉपर को देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना कॉपर, सुना है कभी कॉपर, कॉपर Cu+1 Cu+2 कभी सुना है, सच्ची मुच्ची 9-10 पास होना बेटा, सच्ची मुच्ची बेटा सुना है ना, कॉपर प्लस वन कॉपर प्लस टू शाबाश, हाँ Q+ और Q+, मैं तो आंख में आंसू आ गए सुन के, Q+ मतलब Cu+ और Q+ मतलब Cu+2, वेरी नाइस, अब सोच बेटा यदि Cu+2 के लिए लिखता तो क्या लिखता, मुझे तला बता दो बच्चों Cu+2 के लिए क्या लिखूंगा, क्या मैं 1s2, क्या मैं 2s2, क्या मैं 2p6, क्या मैं 3s2, क्या मैं 3p6, क्या मैं 3d9 और 4s टकलू लिखूंगा, आना बोलना पड़ेगा यार, क्या मैं 3d9 4s टकलू लिखूंगा, और यदि मैंने ऐसा लिखा तो 1 ठा हुआ 2 ठा हुआ 3 ठा हुआ 4 ठा हुआ, ये 2 हुआ ये 8 हुआ, ये 17 हुआ, ये 0 हुआ, कितना इनकम्प्लीट दिख रहा है भाई, कितना इनकम्प्लीट दिख रहा है, 2 इनकम्प्लीट दिख रहा है, hence it qualifies the definition of transitional element, क्योंकि वो बोलता है normal या any of the oxidation state, अब copper की 2 होती है, copper plus होता है, copper plus 1 होता है, चमक गया हो तो यार बोल दो यार चमक गया भाई, चमक गया, तो copper किस में आया, transition में आया कि नहीं आया, transition में आया कि नहीं आया, आया बिल्कुल आया, क्योंकि उसकी 2 इनकम्प्लीट, अब आते हैं जिंक कुआ पे, काय पे जिंक कुआ पे, जिंकुआ देखो तो जिंकुआ होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, अब जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, किसी होशियार बच्चे ने कभी सुना हो, किसी सपने में देखा हो, ले परागी ने कचरे कर दिए, अरे मैं जिंक ही पूछ रहा हूँ, खुशी ने सही बोला, खुशी ने सही बोला, केतिया ने भी सही बोला, समर्थ ने भी सही बोला, ओके हिमांशु ने पूरा कंपाउंड ही बता दिया, खेलना सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए लो ZNO ले लो, आप तो ZNO प्लस टू में रहता है, जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है प्लस टू, बोलो हो बोलो हो, अरे मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे को पता है, विश्वास किया करो, जिंक प्लस टू, समझे आप मेरी बात को, भरोसा तो करते हो ना भाई, भरोसा तो करते हो ना, हाँ वही तो, कल एक ग्रुप पे बच्चों ने श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी पूछ लिया, एक ऑप्शन में दिया है उनके पेपर में आ गया, मैंने तुम लोगों को भेजा था ना, एक क्वेश्चन देखा था ना,
तो उनके पेपर में आ गया श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी। अब उनके पेपर में आ गया श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी, तो मैंने कहा हाँ भाई श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को तो लगता है मिसप्रिंट है। अरे जब मैं बोल रहा हूँ होती है तो फिर भरोसा करो ना, समझे कि नहीं समझे बात को? जब मैं बोल दिया कि होती है तो भरोसा करो, उसको क्वेश्चन मत पूछो कि सर मेरे को तो ये लग रहा है, तेरे को क्या लग रहा है, उससे मतलब नहीं मेरी जिंदगी होगी पढ़ते पढ़ते। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना बेटा? हाँ। और केमिस्ट्री के 9 में से ना 9.9 टीचर से पूछना उनको हवा भी नहीं होती श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी होती क्या, जो सच्चाई है। यदि बोल रहा हूं होती है मतलब होती है, सिंपल। तो जिंक प्लस प्लस, गलत नहीं बोलता बेटा, इसको घमंड भी नहीं बोलते, मेहनत बोलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए सिर्फ पढ़ाई करते हैं। 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 3d10 4s2। बोलो भैया दो भगा दिए, तुम भाग जाओ, तो 3d10 चार बना है, एक टा हुआ, दो टा हुआ, तीन टा हुआ, चार टा हुआ, दो आठ अठारह टकलू, बोलो हाउ, बोलो। इट इज नॉट अ ट्रांजिस्टर एलिमेंट, इट इज नॉट अ ट्रांजिस्टर एलिमेंट, बोलो हाउ। इट इज नॉट अ ट्रांजिस्टर एलिमेंट, आया कि नहीं? हाउ? अब ले पूछा हाउ, यार मैं पूरा पढ़ा देता हूँ उसके बाद तुम लोग मेरे को रुलाने का काम करते हो। अरे क्यों, हाउ क्यों भाई, बोला ना जब दो इनकम्प्लीट है, इधर तो एक ही इनकम्प्लीट है ना। कभी कभी लगता है ना बैठे बैठे मेरे मजे लेते रहते हो, चलो इसको उचकाएं। प्लस टू तो करके ही आया ना मेरे भाई, ये दो भगाई ना इलेक्ट्रॉन, तो टकलू लिखा है ना, प्लस टू का ही तो बना। अच्छा ये जिंक प्लस प्लस का बना है ना भाई, जिंक का थोड़ी ना बना है, जिंक प्लस प्लस का बना। आ गया आ गया, हृदय जी हृदय जी हृदय जी, बेटा पहले दो इलेक्ट्रॉन थे फिर वो भाग गए बच्चे, जब भाग गए तो आखिरी का शेल इनकम्प्लीट है, लेकिन तीन शेल तो कंप्लीट है ना, लास्ट के दो होने चाहिए थे। जिंक होता है क्या सर? अबे जिंक कैसे होगा, जिंक में तो और ही कचरा, एक दो तीन चार, क्या समझ रहे हो तुम लोग, अठारह दो, ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या इसमें दो सब शेल, दो शेल इनकम्प्लीट है, क्या इसमें दो शेल इनकम्प्लीट है, तो जिंक तो वैसे भी नहीं होगा। हाना बोलना पड़ेगा यार, हाना बोलना पड़ेगा यार। यदि कल के दिन कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दो और बोले जिंक को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए कि वो ट्रांजिस्टर एलिमेंट हो जाए मिनिमम, तो बताओ क्या आंसर होगा, जिंक को कौन सी ऑक्सीडेशन। वाह 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 वाह, आंसर तो आ गया भाई, आंसर तो आ गया, एकदम सही बोले हो, प्लस थ्री, प्लस थ्री। यदि प्लस थ्री दिखाता तो आउटर दो इनकम्प्लीट हो जाते और वो ट्रांजिशनल एलिमेंट की डेफिनेशन में फिट हो जाता। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में? ये मेरे को पढ़ाना नहीं था, अभी ट्वेल्थ क्लास में आता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। लेकिन बेटा मेरे टाइम नहीं है ना बच्चे, दिक्कत ये है ना, तो आप जल्दी करो इसको, जल्दी नोट करो। हो गई समझ में? आ गई, दिस इज ट्रांजिशनल एलिमेंट की डेफिनेशन। जिसको अभी भी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ट्रांजिस्टर एलिमेंट का मतलब होता है जिसके आउटर दो शेल इनकम्प्लीट हो, उनकी नॉर्मल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जिंक जब नॉर्मल होता है तो 18 हुआ, 2 हुआ, तो ये तो एक ही इनकम्प्लीट है, सिर्फ यही इनकम्प्लीट है, ये तीनों तो क्या है कंप्लीट है, ये वाला इनकम्प्लीट है और ये तीनों क्या है कंप्लीट है भाई। जब जिंक प्लस प्लस दिखाया तो भी ये तीनों कंप्लीट है, और जो ये वाला है वो इनकम्प्लीट है, तो ये डेफिनेशन नहीं बताएगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि आउटर दो इनकम्प्लीट होना चाहिए। कॉपर में हमने देखा था कि कॉपर की ये स्थिति थी, कॉपर में ये कंप्लीट था, लेकिन कॉपर प्लस प्लस जब बनाया तो ये इनकम्प्लीट हो गया, इसलिए कॉपर क्वालिफाइज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एलिमेंट इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। सुना कि नहीं सुना? इन देयर नॉर्मल और एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, बहुत समझा दिया, ठीक है। चलो अब मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं, चले मिटाओ दिस, चले मिटाओ दिस, ठीक है। यस, क्या बोल रहे हैं सर,
सर जिंक इज नॉट अ ट्रांजिस्टर एलिमेंट, ये भगवान अभी तो लिखा था जिंक कैडमियम मरकरी अननबियम आर नॉट ट्रांजिस्टर एलिमेंट, आर नॉट ट्रांजिस्टर एलिमेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, लिखा था कि नहीं लिखा था? कॉपर तो होता है ना, कॉपर इज अ ट्रांजिस्टर एलिमेंट, मैंने कहा मना किया, मैंने बोला ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिस्टर एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी अननबियम, पढ़ लो जरा आंख खोलो और पढ़ लो लिखा था कि नहीं लिखा था? मैं लिखा था ना ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी एंड अननबियम, सो कॉपर इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। चलो भाई आगे बढ़ती अच्छा अब आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है कि जिंक कैडमियम मरकरी एनिमियम आर नॉट ट्रांजिशनल, ठीक है ना, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही रख लो, यही होता है क्लासेस में, ऐसा सेंटेंस चूज किया जाता है जिससे कि कोई मॉड्यूल में दिक्कत ना आए, फिर आप समझाओ मत, आपका काम बन गया, समझाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। और इसमें बच्चा भी जो है ना वो दो टाइप का है, वो है जो खूब पढ़ने वाला, खूब पढ़ता खूब मेहनत करता उसको तो इसमें मजा आ जाता है, और एक बच्चा वो है जो मेहनत नहीं करता है, जो पढ़ता नहीं है, ये इतना सरल है ना कि जो बार बार पढ़े ना उसको आ ही जाता है, इतना सरल है भाई। मुझे तो लगता है सबको समझ में आ गया होगा 100% लोगों को अब कि ट्रांजिस्टर एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, आ गया ना, इतनी मेहनत की कोई असर तो हुआ ना, प्लीज यूज योर ब्रेन्स, ठीक है ना बेटा, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी हुई जान के आपको आ गया समझ में, जो लोग सो रहे थे जाग जाओ, जागो, वतन खतरे में है, ट्रांजिस्टर एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, सब हो गया, लास्ट टू शेल आर इनकम्प्लीट, बहुत बढ़िया था, है ना। चल बेटा अब मैं आपको आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क दे रहा हूँ आपको बताऊं, आपने ना ये मॉड्यूल से कुछ फैक्ट उतार लेने हैं, कौन से फैक्ट, ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी पे उतार लेना, ये सब फैक्ट है, फैक्ट पढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्या लिखाऊं बैठ करके उसको, कितने गैसेज हैं, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है, वो सब आप खुद उतार लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है ना, और वो आपको याद भी करना। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ सीधा सीधा, एक टॉपिक तो है, एक टर्म होता है मैजिक नंबर, एक टर्म होता है मैजिक नंबर है ना, अब ये मैजिक नंबर पढ़ाऊं मैं आपको तो मुझे आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल याद कराना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं कराता याद, मैं कब आपको याद कराऊंगा, पहले दूंगा लिख के शॉर्ट फॉर्म और पूरी टेबल, आप याद करोगे फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ऐसे मेरा समय बहुत खराब हो जाएगा, मैं वो खराब नहीं कर सकता, मेरे को समझा आप मेरी बात को, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट फॉर्म लिख के आपको दूंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट फॉर्म लिख के दूंगा आपको, ठीक है। अब मैजिक नंबर पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, मैं ये सोच रहा हूं, मैजिक नंबर होता क्या है, मैजिक नंबर का मतलब ये होता है कि आप नीचे क्या है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब नीचे का एटॉमिक नंबर आप पता लगा सकते हो ऊपर वाले से, है ना, चलो लिख देते हैं, आप याद कर लेना इसको, मैजिक नंबर फॉर एस ब्लॉक, फॉर एस ब्लॉक मैजिक नंबर क्या होता है, ऐसे करते हैं, सुनो मैजिक नंबर खुद ही निकाल लेते हैं, तुम्हें पता है ना एस ब्लॉक का पहला वाला जो है वो क्या होता है, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, है ना, ये 3 होता है, ये 11 होता है, ये 19 होता है, ये 37 होता है, ये 55 होता है, और ये 87 होता है, चेक कर लेंगे गलत हुआ तो, ठीक है। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, लीना की रब से फरियाद, सबको पता है ये लीना इसमें आ गया कि रब से फरियाद, लीना रब से फरियाद कर रही है कि मुझे बीपीएस से बचाओ, आईओसी पढ़ा पढ़ा के मेरे को मारे जा रही है,
लीना की रब से फरियाद, बोलो बेटा, ठीक है लीना की रब से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, मैं आपको एक सच बात बोलूं तो ना, हाइड्रोजन इज नॉट अ एस ब्लॉक एलिमेंट है सच, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इसका मैजिक नंबर क्या होगा, तीन और इसमें अंतर कितना है आठ, इसमें इसमें अंतर कितना है आठ, इसमें अंतर कितना है अठारह, इसमें अंतर कितना है अठारह, और इसमें अंतर कितना है अठारह। तो बात समझ गए, मैजिक नंबर एस ब्लॉक का ही हो गया, एस ब्लॉक का मैजिक नंबर। अब पी ब्लॉक का मैजिक नंबर ढूंढते हैं, पी ब्लॉक का मैजिक नंबर ढूंढते हैं, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और ये एंटी एस्टरटाइन, ये नौ, ये सत्रह, ये पैंतीस, ये त्रेपन और ये एटी, क्या होगा बत्तीस, इसमें प्लस कर दो यार, पांच और आठ, 85, I suppose that, थोड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आठ, ये कितना हुआ अठारह, और ये कितना हुआ अठारह, और ये कितना हुआ बत्तीस, I suppose मैंने सही लिखा हुआ। इसके बाद भी कुछ आ जाएगा क्योंकि फिर कल बाहर आई अंटी टेरिस पे, अब टेनिसाइन आ गया है, तो ये टेनिसाइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 117 हो जाएगा शायद, तो ये भी 32 है, लेकिन ये आजकल किताबों में भी आया नहीं। बत्तीस होगा, अठारह नहीं, कौन सा वाला बत्तीस होगा, ये वाला, ये वाला त्रेपन माइनस पैंतीस इज इक्वल टू 32 लग रहा है, यार मुझे तो नहीं लग रहा, पचपन माइनस अठारह ही तो हुआ भाई, कौन सा मैथ्स पढ़ते है? कुछ भी, चलो बैठे बैठे कंफ्यूज करते रहते हो भोले वाले मास्टर को, और कुछ काम नहीं है तुम लोग को, है ना। चलो भाई, ये आठ आठ अठारह, ये भी अठारह ही था यार, अच्छा ये वाला बोल रहे हो, हाँ ये वाला तो स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, 32 करेक्ट है। मैजिक नंबर पी ब्लॉक का समझ में आ गया, आना बोलना पड़ेगा यार, मैजिक नंबर पी ब्लॉक का समझ में आ गया, आना बोलना पड़ेगा यार, ठीक चलो बहुत बढ़िया। अब लो भाई एक और बताता हूँ मैं आपको, डी ब्लॉक, कौन सा वाला डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनबियम या सीएन खोपचे में। जिंक होता है 30 बेटा, कैडमियम होता है 48, एचजी होता है 80 और ये होता है 112, तो ये 18, ये 18 और ये 32। अब सोचो मैजिक नंबर क्या था, 8 8 18 18 32, यहाँ पे 8 18 18 32 32, खाना बोलना पड़ेगा यार, ये भी 5 और ये भी 5, सिर्फ इसमें अंतर कितना आया, इसके आगे एक ये लग गया, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा समझ में, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा समझ में, याद हो गया, याद हो गया, याद का मतलब क्या, 8 8 18 18 32, पी ब्लॉक के मैजिक नंबर में क्या किया तूने, इधर 8 था, इस वाले 8 को 18 कर दे भैया, इसको 18 कर दे, फिर 32 फिर 32, चमका के नहीं चमका, चमकना पड़ेगा यार, कैसे करना है हमको, हमको ये वाले को हटा लो, 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32, इसको हटाया उसकी जगह पीछे 32 लिख दिया, तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हें कुछ समझ में आया, आया कुछ, आ गया। अब इधर आ जा बेटा, ये वाला, हाँ ये वाले में मैंने गलती की है, 32 है मैं मान रहा हूँ, आखिरी के तीन इसके सेलेक्ट कर ले, इसके आखिरी के तीन 18 32 32 बोलो आओ, 18 32 32 इसके आखिरी के तीन बोलो आओ, बोलो आओ, हाउ 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 हाउ, टोपो, ये थे मैजिक नंबर, जल्दी करो, ये थे मैजिक नंबर, याद हो गए सबको भैया जी, 8 8 18 18 32, फिर पहले के 8 को छुपा लो, पी ब्लॉक के लिए पहले के 8 को छुपा लो, 8 18 18 32 32, और डी ब्लॉक में आखिरी के तीन या ले लो, 18 32 32, आ गया भाई। हाँ सिर्फ मैजिक नंबर याद करना है, सिर्फ ऊपर का एक नंबर बेटा याद हो जाए तो नीचे का तो अपने आप आ जाता है, नहीं तो मैजिक नंबर का मतलब क्या हुआ, समझे ना, इसमें मैजिक क्या है, मैजिक ये है कि ऊपर का नंबर सिर्फ याद हो, तेरे को सिर्फ ये याद है कि लिथियम का 3 है, बाकी पूरे ग्रुप के याद हो जाएंगे, 8 प्लस करो 8 प्लस करो, फिर 18 फिर 18 32 नीचे का मिलता जाएगा, बोलो हाओ, बोलो हाओ, मैजिक आया समझ में, मैजिक आया समझ में, जैसे मैंने बोला एक एलिमेंट एस ब्लॉक का है, उसका नंबर है 3, बताओ नीचे वालों के
एटॉमिक नंबर क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर जी मेरे पास मेजिक नंबर है, मेजे 8, 8, 18, 18, 32। मैं बोला डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है मेरे पास, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, बताओ नीचे वाला क्या होगा। यदि वो फोर्थ पीरियड का मेंबर है तो आप बोलोगे सर जी मेरे पास मेजिक नंबर है 18, 32, 32 प्लस कर दूंगा, जेड प्लस 18, जेड प्लस 32, जेड प्लस 32, जेड प्लस 32 प्लस 32, बोलो हाउ। अरे बोलो हाउ, तुम लोग बता दोगे ना क्या होगा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है। चलो यदि आप मेरा साथ दो सच्ची मुच्ची और आप जाग रहे हो, तो मैं आपको वो ट्रिक सिखा दूं जिससे कि ब्लॉक पीरियड आप एक सेकंड में निकाल लो बिना किसी प्रॉब्लम के। कहो तो सिखा दो, कहो तो सिखाई दो, सिखा दो। ठीक चलो, वैसे लोग अच्छा गाना गाते हैं तो लोग, पता है मैंने कई बार देखा है, वो लोग आते हैं आंखों के ऐसे 10-20 का नोट लेकर के यूं ही उछालते रहते हैं, वो अच्छा गाना गाते हैं लोग। ऐसे क्लास में जब मैं अच्छी वाली ट्रिक सिखाता हूँ ना, तो बच्चे आते हैं, बच्चे आकर के ऐसे, इसलिए ऑफलाइन क्लास का ये फायदा रहता है, बच्चे आते हैं अपनी क्लास में पैसे रखे रहते हैं 100-100 के नोट, तुरंत आगे उछालते बीपीएस सर और फिर मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, फिर मैं और सारी ट्रिक्स बताता हूँ। तुम लोग देखा होगा बेटा, लोग जब गाना अच्छा गाते तो लोग आगे 100 नोट देखे जाते हैं, ऐसा क्लास में मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं जब अच्छी ट्रिक बताता हूँ, एक बच्चा या बच्ची सामने बैठी होती है, वो आती है आके कहती है सर ये 100 का नोट जाओ। नहीं यार, ये एटीएम पेटीएम में नहीं करता बेटा, मैंने आज तक एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, तुम पेटीएम की बात कर रहे हो। इस मामले में बहुत ही पुराना इंसान हूं, मैंने अपने जीवन में कभी एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, तो पेटीएम की बात कर रहा है। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ, उसका कारण ये है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज की साजिश है हमारे पैसे को खर्च करवाने की, कि इनके हाथ में ऐसे कार्ड दे दो जिससे इनको पैसा खर्च करने में दर्द ना हो, क्योंकि जब इंसान गिन के देता है ना तो उसको दर्द होता है, तो वो पैसा नहीं देता कभी, और जब कार्ड के थ्रू पैसा जाता है तो पता ही नहीं लगता कब पैसा आया और कब पैसा गया, तो इंसान को दर्द नहीं होता। पर जो 10,000 की जींस 100-100 के नोट गिन के देगा ना, तो 100 बार सोचेगा कि दें कि नहीं दें, ऐसा है। ये सब बड़े लोग की साजिश है हमारे जेब के पैसे को निकालने के लिए, उन्होंने हमारी आदतें इसलिए ऐसे खराब की है, ये कार्ड ले ले, वो कार्ड ले ले, इस कार्ड से ये फायदा हो जाएगा, उस कार्ड से वो फायदा हो जाएगा, हम खुक्के हो जाएंगे बस। जो सत्य है वो तो यही है, इसलिए आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ कार्ड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान सुनना, अच्छो सुनना, बताऊं पढ़ाऊं पढ़ाऊं, चलो पढ़ाता हूँ। अब मैजिक नंबर तो आप सीख ही गए हो, कसम उड़ान छल्ले की आज आपको आ ही जाएगा। ये 3, ये 11, ये 19, ये 37, ये 53, ये 87, इतना याद कर लोगे? जब ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 12 होगा, ये 20 होगा, ये 38 होगा, ये 54 होगा, कचरे हो गए, ये 55 था तो ये 56 होगा, और ये 88 होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ठीक है ना? अब सोच, अब तो यहां से जब आगे बढ़ेगा ऐसा, तो तुम सोच तो कहां से कहां बढ़ रहा है, 21 से आगे बढ़ रहा है, और पता तेरी लिमिट क्या है, 30 है, और जब इधर आगे बढ़ रहा है तो तेरी लिमिट क्या है, तुझको पता है क्या है बेटा, तेरी लिमिट ये है, ये 30 है और ये कितना हुआ 48, और ये 80, और ये 112। अच्छा, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक, यहाँ लेंथेनाइड आते हैं, एक्टिनाइड आते हैं, ये 57 है बच्चे, और ये क्या है 89 है, और इसी डिब्बों में ये जो डिब्बो है, इस डिब्बो के अंदर 58 से लेके 71 वाला होता है, और इस डिब्बो के अंदर 90 से लेके 103 वाला होता है। ये कहानी यहां से चलेगी तो कहां तक जाएगी, 118 तक जाएगी, कहां तक जाएगी 118 तक जाएगी। क्या सब लोग को बात समझ में आ गई, क्या सब लोग को बात समझ में आई है? कुछ कुछ, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। ये कितना हुआ, ये हुआ कौन सा, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ये आ गया, ठीक है 112। अब ये पिक्चर यदि तुम्हारे दिमाग पे थोड़ी सी क्लियर है मान लो, यदि तुम्हारे दिमाग पे ये वाली पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है मान लो, तो क्या होगा बेटा, बार बार पढ़ने पे पिक्चर हमारे दिमाग पे आ ही जाती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना? ये कहानी सबको पता होती है, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर
एक ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया था, माफ करना, ये क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर 2। ये टेबल यदि हमारे दिमाग में हल्की फुल्की भी है, उसने बोला 104, उसने बोला 104, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं बोलूंगा 104, ओह 104 मतलब ये वाला आ गया, ये 10 है टोटल। यहाँ पे सोच ये क्या है, ये स्कैंडियम वाला है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सोच तू, उसने बोला 104, तो क्या मेरे दिमाग की एकदम क्लियर होगी बात, 104 मतलब ये वाली पोजीशन आएगी। यहाँ क्या है, 104 मतलब यहां तक 103 तक तो ए ब्लॉक चलेगा, अरे बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा, 103 तो ए ब्लॉक चलेगा, 103 तक तो ए ब्लॉक चलेगा, उसके बाद कौन सा ब्लॉक आ रहा है, डी ब्लॉक आ रहा है। तो मेरे सेकंड, एक सेकंड में मेरे दिमाग में आ गया 104 मतलब डी ब्लॉक। अच्छा तुम बोलो, कोई भी नंबर बोलो जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, नंबर बोलो होमवर्क में दिया था कोई, देखो 119 बोला आरएफआ ने, आरएफआ ने बोला 119, बेटा 119 तो टेबल में ही नहीं आता, एस ब्लॉक में आएगा यदि आएगा तो, 118 के बाद वाला मत बोलो। 109 बोला सौम्या ने, सौम्या ने बोला 109 और मैं समझ गया डी ब्लॉक, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है डी ब्लॉक 112 तक आता है 104 से लेके, बोलो हो, अरे मेरे भाई डी ब्लॉक सोच, इधर 104 पे चालू हो रहा है और इधर 112 तक जा रहा है, तो मैंने तुरंत एक सेकंड में बोल दिया डी ब्लॉक, बोलो आओ बोलो आओ बोलो आओ, बोला कि नहीं बोला, डी ब्लॉक बोला। अब तेरे को पता है कि ये 104 वाली ये कौन सी लाइन चल रही है, क्या ये 7th पीरियड है, क्या ये 7th पीरियड है, तो मैंने एक सेकंड में बोल दिया 7th पीरियड। जैसे ही आपने बोला 109, मैंने बोला डी ब्लॉक 7th पीरियड, अब क्या आया ग्रुप, मैं गिन लूंगा ग्रुप, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को पता है 104 वाला चौथे ग्रुप में आता है, 104 वाला चौथे ग्रुप में आता है, तो 109 वाला कौन से ग्रुप में आएगा, मैं गिन लूंगा आगे, 104 105 106 108 109, ये गिन लिया मैंने, 4 5 6 7 8 9, ये 9 रहा, तो ये कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। क्या मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, नहीं लिखी। तो कोई और नंबर बोल जो तेरा मन कर, 98, एक बच्चे ने बोला 98, अब 98 बोलते ही मेरे दिमाग में ओह दिस इज ए ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ए ब्लॉक एलिमेंट 90 से लेके 103 तक चलता है, मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट, बोलो हाउ, 7th पीरियड और 3rd ग्रुप, क्योंकि ए ब्लॉक पूरा 3rd ग्रुप में आता है। ले भाई क्या मैंने कहीं देखा, यहां वहां देखा, 74 एक बच्चे ने बोला, एक बच्चा बोला 74, मैंने 74 तुरंत लोकेट किया कि 72 से लेके 80 तक क्या लगा हुआ है, दया खाना ये 72 और ये कहता था, ये तो 72 हो गया, इधर 21 है और इधर 39 है। सुन बेटा डी ब्लॉक कहां से कहां चल रहा है, डी ब्लॉक चल रहा है 21 से लेके 30 तक, 39 से लेके 48 तक, 57 से लेकर के 80 तक, लेकिन बीच में मिसिंग कितने हैं, 58 से लेके 71 तक ए ब्लॉक है, फिर 72 से चलेगा। यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अब दिव्यांश ने बोला 118, अबे 118 मतलब आखिरी वाला हो गया पी ब्लॉक, आखिरी वाला हो गया पी ब्लॉक, 7th पीरियड 18th ग्रुप, खिला खत्म बाबू, बोलो हो, कर लोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसको बना करके थोड़ा सा देख लोगे, तुम्हें पता है ना नंबर क्या लिखने हैं, जल्दी बोल दो यार, तुम्हें पता है ना नंबर क्या लिखने हैं, मैं बना के दे देता हूँ, मैं आपको बना के सुंदर सा दे देता हूँ, ठीक है ना, एक व्हाइट पेपर पे सुंदर सा बना के आपको देता हूँ, आप लोग फिर रट्टा मार लेना, बोलो हो, ठीक है, अब कर लोगे, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं वो पढ़ाता हूँ जिसको मेरे को आपको पढ़ाना है भाई, है ना। एक चीज होती है कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, यदि कोई बोले कॉज ऑफ पीरियडिसिटी क्या होता है, तो बोलना आउटर इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं शेल में वो पीरियडिसिटी का कॉज होते हैं, ठीक है, आप मत बनाओ, मैं बना के आपको दे रहा हूं ना, बोला ना। यदि किसी ने बोला व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, मतलब पीरियडिक प्रॉपर्टी रिपीट क्यों होती है, तो दैट रिपीट्स बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है बेटा, आप कहीं पे लिख लो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, लिखो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, स्टार मार्क लगा के लिखो, फिर लिखना इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तुम लोगों को ट्रिक समझ में आई जो मैंने बताई कि नहीं आई,
ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी उसमें, ऐसा नहीं कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन एक बार वो चीजें दिमाग में बैठ गई, एक सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है ना? तो आई होप सो, आप 100 का नोट मेरा तय हो गया क्या बेटा याली ट्रिक पे? ठीक है ना? ठीक है, चलो बच्चे तैयार हैं, जब आप आओगे पढ़ने के लिए मैं वसूल लूंगा, मैंने नाम देख लिए हैं, बहुत बढ़िया। जब बेटा ऑफलाइन क्लास लगती थी मैं बच्चों से, खैर ये तो मजाक वाली बात है कि पैसे लेना आ रही हो, लेकिन मैं बेटा बच्चों को टिफिन खा जाता हूँ, आपको एक सच बात बोलूं तो पूरे नहीं खाता, लेकिन ऐसे जाके वो बैठे रहते हैं तो मैं जाके थोड़ा बहुत मांग लेता हूँ, यदि कोई दे नहीं रहा होता तो भी मैं मांग लेता हूँ, और कुरकुरे रास्ते में कोई भी मिल जाए, यदि उसके हाथ में कुरकुरे है तो फिर मैं उससे एक दो कुरकुरे भी ले लेता हूँ। यस, खैर अभी नहीं लेता, लेकिन कोरोना में नहीं लेता अभी। इस साल मेरे को एक बच्ची ने कुरकुरे ऑफर किए थे, मैंने कहा ना बेटा, ना मैं लूंगा कुरकुरे और ना आपको कुछ दूंगा, इस समय बीमारी फैली हुई है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मास्क लगा के रखो अपना, मैं भी नहीं उतारूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मेरे को घर बैठे ही हो गया। खैर चलो, लेट अस नाउ स्टडी अ वेरी गुड टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज, नहीं बेटा दिव्यांश पाठक, मैं बेटा पॉलिथीन नहीं खाता हूँ, मैं बच्चों की पॉलिथीन खुद खा जाता हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अरे टाइम हो गया क्या? अरे टाइम कभी भी हो जाता है। टॉपिक डालो स्क्रीनिंग, आप टॉपिक डालो स्क्रीनिंग अफेक्ट और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कल पढ़ाऊंगा बेहतरीन आपको, ठीक है? चलो बेटा दिव्यांश तुमने बिल्कुल सही बोला, इसीलिए मैं बच्चों के कुरकुरे खा जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पॉलिथीन खाए, उनकी जगह मैं खा लेता हूँ, टीचर हूं ना बेटा इसलिए। तो खैर चलो दिव्यांश तुम आओ बेटा, मैं तुम्हारे सारे कुरकुरे खा जाऊंगा जब भी आपने खरीदे, ठीक है? बाय बाय, टाटा सी यू बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें, ठीक है? बाय बच्चों, और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें, बाय बेटा।